नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। रांची की धरती पे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने आज यहां पे रोड शो किया। चुटिया का ये इलाका है और चुटिया के इलाके में भव्य स्वागत किया गया अमित शाह का। केंद्रीय गृह मंत्री है और देख सकते हैं यहां पे जो भीड़ है वो इतनी ज्यादा तादाद में लोग यहां पे है। सड़क के दोनों साइड लोग भरे पड़े हैं। भीड़ पूरी रांची की सड़क, पूरी रांची की जनता उमर पड़ी है इस सड़क पे और देख सकते हैं कि कैसे अमित शाह के पक्ष में और जो यहाँ के प्रत्याशी है एनडीए के, बीजेपी के संजय सेठ, उनके हाथ में लोग नारा लगाते नजर आ रहे हैं। अब की बार 400 पार का भी नारा लगाते आ रहे हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे, बात करना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे। अब कितनी ज्यादा तादाद में है यहाँ पे, आइए हम सीधे बात करते हैं लोगों से। यहाँ पे किनको देखने आई थी? यहाँ अमित शाह जी के। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किए वो? क्या क्या किए? बहुत कुछ किए हैं हमारे लिए, नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं सुबह 2 बजे से उनका इंतजार कर रही हूँ। चलिए, 2 बजे से ये इंतजार कर रही है अमित शाह जी का। खाना भी नहीं खाया। आप बताइए, अमित शाह जी अभी आए थे रांची के सड़क पे रोड शो कर रहे थे, कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा लगा। आए हमारे इस्ते स्थान पे और सभी से मिले जुले, और क्या बताए, बताइए। अमित शाह जी आए थे? हम लोग का दोनों का शादी करवाए अमित शाह जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अमित शाह जी इन लोगों की शादी करवाए हैं। हम मैडम से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, अमित शाह जी अभी आए थे रांची के रोड पे रोड शो कर रहे थे, क्या लगा आप लोगों को, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, उसमें भी पूरा भीड़ उमड़ी थी। आज भी देख सकते हैं, बहुत कम डिस्टेंस था लेकिन भीड़ देख सकते हैं, कितने लोग उत्साहित हैं। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार नारे के साथ अमित शाह जी को देख के कितना उत्साहित हुए आप? नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार नारे के साथ ये देख सकते हैं कार्यकर्ता कितने उत्साहित हैं। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। अमित शाह जी आए थे, रोड शो कर रहे थे, कितना प्रेरणा मिला? बहुत ज्यादा। यहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी, उसे अंदाजा लग सकता है इस बार 400 ने 400 से ऊपर जाने वाला है। और इस बार झारखंड में भाजपा आने वाला है, हमारे संजय भैया ही इस बार आने वाले हैं। और हमको लगता है पूरे देश, अभी हमारे इंडिया में, भारत में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाला है। इस बार जो देख के हुजूम लग रहा है रांची की सड़कों पे, अमित शाह जी को देखने के लिए यहाँ पे लोग सड़कों पे उतर चुके हैं और देख सकते हैं कैसे यहाँ के लोग। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। अमित शाह जी अभी आए थे, क्या कैसा लगा? बहुत खुशी लगा, जैसा कि हमारे रांची की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्या बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था जो कि हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और सबसे खुशी की बात ये कि सभी राम भक्तों के साथ हम लोग ने अमित शाह जी का दर्शन किया। अमित शाह जी के कार्यक्रम से कितने उत्साहित हुए हैं कार्यकर्ता? केवल कार्यकर्ता नहीं, पूरी रांची उत्साहित है। चुटिया में कार्यक्रम है लेकिन पूरी रांची आप देख सकते हैं उमड़ पड़ी है यहाँ पे। अभी उनके चले जाने के बाद भी पूरा जोश यहाँ पे है, राम में बने हुए हम लोग बहुत ज्यादा उत्साहित है। अभी भी उनका उत्साह अभी खत्म नहीं, वो आगे बढ़ गए लेकिन उनका उत्साह यही रह गया है हम लोग के पास। हम लोग अभी भी उनको मिस कर रहे हैं, वो आगे चले गए हैं। जय श्री राम। ये थे रांची के सड़कों पे उतरे हुए जनता और कार्यकर्ता जो अमित शाह को देखने के लिए और उनका अभिवादन करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। अब की बार 400 पार नारे के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहाँ रांची की सड़कों की जनता जोर का नारा लगाते नजर आ रही है, जिससे इस बार बीजेपी को हुकूमत में लाना है और बीजेपी की सरकार बनाना है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श रीज रांची।